الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم وإذ قال ربك للملائكة और याद कीजिए उस वक़्त को जब फरमाया तेरे रब ने वास्ते फरिश्तों के इन्नी जाहिलुन फिल अर्द खलीफा बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में नायब कालू अतजालु फीहा मैं युफ्सिदु फीहा उन्होंने अर्ज किया है परवरदिगार आप बना रहे हैं जमीन में उसको जो फसाद मचाए जमीन में वयस्फिकु दिमा और खून बहाए वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुकद्दिसु लक
और हम तस्बीह बयान करते हैं तेरी पाकी की और तेरी बुजुर्गी बयान करते हैं। قال إني أعلم ما لا تعلمون فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الأسماء كلها اور سکھلائے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سب کے سب ثم عرضهم على الملائكة फिर पेश किया उन्हें फरिश्तों पर फकालम निबूनी बियस्मा हाउला फरमाया बताओ मुझे नाम इन चीजों के इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम अपने दावे के अंदर सच्चे आमंतु बिल्लाहि व बिआयाति मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों इससे पहले रुकू में कुरान करीम के चार अहम और बुनियादी मौजू जिक्र फरमाए गए थे। अल्लाह की वहदानियत और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में और फिर कुरान की हकानियत के बारे में और क़यामत के बारे में और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरह तरह के इनामात का जिक्र था जो अल्लाह ने बनी नौ इंसान के ऊपर फरमाए। और उन तमाम मादी और सूरी नेमतों के जिक्र के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मानवी नेमतों का और नफसानी नेमतों का जिक्र फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ऊपर फरमाई। पहले मादी नेमतों का जिक्र था जिससे इंसान मुस्तफीद होता रहा, जिसमें आसमान का जिक्र हुआ, ज़मीन का जिक्र हुआ और पानी का जिक्र हुआ, ज़मीन से निकलने वाली नेमतों का जिक्र हुआ और इन तमाम नेमतों के जिक्र के साथ इंसान को इसकी तालीम दी गई कि वो अल्लाह की नाशुक्री ना करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी और उसकी इताअत करे। अब मानवी नेमतों का जिक्र किया जा रहा है नफसानी नेमतों का कि देखो हमने तुम्हारे ऊपर ये भी इनाम किया कि तुम्हारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हमने इल्म की नेमत से नवाजा और मस्जूद मलाइका बनाने का शरफ और एजाज अता किया। आदम अलैहिस्सलाम को अपनी नियाबत अता की और तुम्हें औलाद आदम होने का फख्र अता किया और जमीन के अंदर तुम्हें खिलाफत वदीयत की। तो इसलिए इन नेमतों का तकाजा भी ये है कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करो और उसकी नाशुक्री ना करो। तो इसलिए फरमाया कि वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका
इन्नी जाइरुन फिल अर्द खलीफा। मेरे महबूब उस वक़्त को याद कीजिए और लोगों के सामने इसका तज़किरा कीजिए कि जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों के सामने ये बात रखी कि ए फरिश्तों में ज़मीन के अंदर अपना एक खलीफा और नायब बनाने वाला, आदम अलैहिस्सलाम की तख़लीक और पैदाइश से पहले इस रोए ज़मीन के ऊपर कितनी अदवार गुजरे इसका सही इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। मुफस्सिरीन ने, मुअर्रिखीन ने और हुकमा ने इसके बारे में तबसरा किया है, तज़किरा किया है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया के अंदर जिन्नात रहते थे और जिन्नात से पहले एक और मखलूक थी जिनको हिन और बिन कहा जाता था। उसने इस ज़मीन के अंदर फसाद मचाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सरकोबी के लिए जिन्नात को भेजा और जिन्नात ने उस मखलूक का सफाया करके इस रोए ज़मीन के ऊपर अपने ठिकाने बनाए और फिर जिन्नात ने ज़मीन के अंदर फसाद मचाया, कत्ल व गारत और खूनरेजी इसको आम किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भेजा और उन फरिश्तों के साथ इबलीस भी था, उस वक़्त उसका लकब अज़ाज़ील था जिसको शैतान कहा जाता है। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान दुनिया की ऊपर जो फरिश्ते हैं उन फरिश्तों के ऊपर अमारत दी तो ज़मीन के ऊपर ये फरिश्ते आए और उन्होंने जिन्नात को मारा और पहाड़ों की तरफ और समंदरी जज़ीरों की तरफ भगा लिया और रोए ज़मीन को खाली किया। और इसके 2000 साल बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समय कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया अल्लाह की जितनी भी मखलूकात हैं, फरिश्ते हैं, जिन्नात हैं, इंसान हैं, फरमाया इनमें से हर एक का मादा अलग अलग। फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर से पैदा फरमाया और फिर फरिश्तों की मुख्तलिफ अक्साम हैं, सबसे आला दर्जे की जो किस्म है वो मलाए आला के फरिश्ते हैं कि जिनका रुतबा और जिनका मर्तबा सबसे आला है, जो हामिलीन अर्श हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है। फिर उसके बाद दूसरे दर्जे में वो फरिश्ते हैं हाफीन मिन हौलिल अर्श जो अर्श के इर्द गिर्द पर फैलाए हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह और उसकी तकदीस और उसकी पाकी बयान कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो फरिश्ते हैं जो आसमानों पर हैं, फिर वो फरिश्ते हैं जो फिजाई हैं, फिजा में, और फिर हवाई, और फिर उसके बाद अर्जी फरिश्तों का दर्जा है। तो फरमाया कि इन सारे फरिश्तों को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर जिन्नात हैं तो जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग से पैदा फरमाया, वलजान खलक नाउ मिन नार कि जिन्नात को हमने आग से पैदा किया और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मादा जो है वो मट्टी रखा। जब आदम अलैहिस्सलाम की
सूरत बनाई गई तो फरमाया कि वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालति मिन तीन, कि हमने इंसान को बढ़ती हुई मट्टी से पैदा की और इस मट्टी के अंदर फरमाया कि जितने भी रोए ज़मीन के अंदर अनासर हैं वो सब के सब उसमें शामिल हैं। गालिब अंसर जो है वो मट्टी का है। तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया और उनकी पैदाइश से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जब अल्लाह ने ये चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाए, तो फरिश्तों के सामने ये बात रखी, वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि ए फरिश्तों में ज़मीन के अंदर अपना एक नायब और खलीफा बनाने वाला। अब इसके ऊपर तुम अपनी राय का इजहार करो। अब फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के सामने ये बात रखी तो फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया कि ए अल्लाह तजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, आप एक ऐसी मखलूक पैदा फरमा रहे हैं कि जो ज़मीन के अंदर फसाद मचाएगी और खून बहाएगी। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ए अल्लाह हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी हमद व सना बयान करते हैं, तेरी बुजुर्गी का जिक्र करते हैं और तेरी इताअत और फरमाबरदारी करते हैं। तो हमारे होते हुए फिर इस मखलूक के पैदा करने के अंदर क्या हिकमत है और क्या मुसलिहत है, वो हिकमत हमारी समझ के अंदर नहीं आ रही। आप वो हिकमत और वो मुसलिहत हमें समझा दीजिए। अल्लाह ने इसके दो जवाब दिए, एक हाकिमाना जवाब दिया, एक हकीमाना जवाब दिया। हाकिमाना जवाब दे दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमु, कि मैं जो कुछ जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरिश्तों के सामने ये बात रखी, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं जमीन के अंदर अपना नायब बनाने लगा हूं, अल्लाह ने ये बात फरिश्तों के सामने किस लिए रखी? आया फरिश्तों से मशवरा तलब करना मकसद था, या फरिश्तों को खबर देनी और इत्तला देनी मकसूद थी, या फरिश्तों से उनकी राय का इजहार करवाना जो है वो मकसद? अब अगर फरिश्तों से मशवरा मकसूद था तो फरमाया कि मशवरे की जरूरत तो वहां पर पड़ती है कि जब इंसान को किसी मसले के तमाम पहलुओं के बारे में इल्म ना हो, उसको अपने इल्म के ऊपर कामिल यकीन ना हो, इसलिए वो मशवरा दूसरे लोगों से तलब करता है जो उकला हैं, दानिशमंद हैं, समझदार हैं, कि इस काम के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वो तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, हर चीज के बारे में उसका इल्म कामिल और मुकम्मल है, जाहिर और बातिन को जानता है, उसको तो ऐसे मशवरे की जरूरत नहीं। फिर मशवरा इसलिए तलब किया जाता है कि तमाम के हुकूक मसावी हों, तो हर एक से उसकी राय तलब की जाती है ताकि किसी की हक तलफी ना हो और सबकी राय जाहिर हो जाए। जिस तरह की दुनिया के अंदर हम देखते हैं पार्लियामेंटों के अंदर और मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर, कॉरपोरेशनों के अंदर, कि जो नुमाइंदे होते हैं सबके हुकूक मसावी होते हैं और सबसे राय और मशवरा तलब किया जाता है, तो ये बात भी यहाँ नहीं। इसलिए कि अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, वो तो खालिक है और बाकी जितने भी मखलूकात हैं वो उसकी पैदा करदा, इसलिए किसी को उसके सामने दम मारने की हिम्मत नहीं है,
ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलु, उससे कोई ये पूछ नहीं सकता कि आपने ये काम क्यों किया, जबकि वो हर एक से उसके आमाल के बारे में पूछेगा, इसलिए कि वो खालिक। तो मखलूक में से किसी को इसकी इजाजत नहीं कि वो खालिक से ये पूछ सके कि आपने ये काम क्यों किया। तो इसलिए भी फरमाया कि मशवरे की जरूरत नहीं थी। तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के सामने ये बात रखी कि ए फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा और नायब बनाने लगा हूं। तो फरमाया कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तालीम दे रहे थे इंसानों को, और ये सूरत बनाई गई सूरत मशवरे की कि इंसान जब भी कोई काम करें तो उसमें मशवरा करें, जिस तरह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई, वो शाविर हूँ फिल अम्र फैज़ा आज़म तो फतवक्कल अल्लाह। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कामों में, अपने मामलात में इन सहाबा से मशवरा कीजिए। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मशवरे की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि वह साहिब वही है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो वही के ज़रिए से किसी भी काम के बारे में उन्हें मुत्तले फरमा देते, आगाह फरमा देते। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे का हुक्म दिया, और यहाँ पर भी सूरत मशवरे की बनाई गई, फरिश्तों के सामने ये बात रखी कि ए फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो मकसद इसके अंदर क्या है, तालीम मशवरा। सुभानकल्लाहुम्मा हम भी करें।